गाइज मैं यहाँ पे रुकी थी क्योंकि मंजू का फ़ोन आया था, तो इसलिए मुझे रुकना पड़ा। आप मेरे पीछे व्यू देखो, आप कितना मस्त है। अभी आपको क्या बोलते हैं, बस थोड़ा सा और रह गया, 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रख लो। 2 किलो। हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। तो गाइज मैं हूँ प्रीति और स्वागत करती हूँ आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग भी जो है आपको एक अच्छी सी जगह घुमाने ले जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक म्यूज़िक एकेडमी है और वहाँ पे सरदार जी हैं जो म्यूज़िक की शिक्षा देते हैं, और उनसे ही मिलने के लिए जाना है मुझे। मतलब क्या होता है, कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड काम है उनसे, तो उनके पास ही जाना है। और मतलब जगह का मैं आपको क्या बताऊँ, व्यू इतना बढ़िया है कि मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आप खुद जाके आप पूरा ब्लॉग देखना तो आपको खुद पता चलेगा कि व्यू कितना अच्छा है। और जो रोड है, बहुत अच्छा रोड है उनके, मतलब जो सड़क है, सड़क बहुत ही अच्छी है उनके, मतलब वहाँ पर जाने की। यहाँ से सोलन से तकरीबन 6-7 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो वैसे टाइम हो चुका है, क्या बोलते हैं, 10:45, ये देखिए। तो चलिए फिर, अब ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं ब्लॉग की शुरू। मैंने कहा था कि ये दिखाती हूँ, मैं आपको अपना छोटा सा स्टडी रूम दिखाती हूँ। तो गाइज ये देखिए आप, कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, कितना खूबसूरत दिख रहा है। देखा ना, कितनी खूबसूरत जगह लाई हूँ मैं आपको, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। आपको अगर आप यहाँ पे खुद विजिट करें आके, तो अब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पे होम स्टे वगैरह भी मिल जाएंगे आपको रहने के लिए, तो आप यहाँ पे आके फुल इंजॉय कर सकते हो। और जैसे जिनको एकांत पसंद है, उन लोगों के लिए है ये जगह। ये देखिए आप व्यूज देखिए। क्योंकि मंजू का फोन आया था, तो इसलिए मुझे रुकना पड़ा। आप मेरे पीछे व्यू देखो, आप कितना मस्त है। अभी आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं व्यू ना, बस थोड़ा सा और रह गया। तकरीबन मैं इस टाइम आ चुकी हूँ, 5-6 किलोमीटर आ चुकी हूँ गाइस मैं ना उस टाइम। तो क्या बोलते हैं, बस थोड़ा सा और रह गया, 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रख लो, 2 किलोमीटर का होगा। तो बस फिर वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पर अगर एकेडमी में उन्होंने वीडियो शूट करने दी तो मैं करूँगी, अगर नहीं करने दी तो मैं माफ़ी चाहूँगी आप सबसे कि नहीं कर पाऊँगी। तो मैं आपको बैक कैमरे से व्यू दिखाती हूँ। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. तो ये देखिए गाइस, दोनों भाई जो है झगड़ा करते हुए, ओए झगड़ा नहीं करते, गंदी बातों पे झगड़ा करना, खेल रहे हो या झगड़ा कर रहे हो? I thought I would never be fine. मेरे पीछे कितना खूबसूरत मंदिर है, आपको इस मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। मैं यहाँ पर फिर से रुकी, तो व्यू मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगा, तो मैं यहाँ फिर से रुकी, आपको पीछे का व्यू दिखाती हूँ मैं। तो गाइज ये देखिए मंदिर, आपकी जो भी आस्था हो आप वीडियो में ही इस मंदिर से मांग सकते हो। भगवान करे कि आप जो भी मांगे वो पूरा हो जाए। ये देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है यार, मैं वही कह रही हूँ ना बार बार कि आप लोग खुद विजिट करोगे ना अगर यहाँ आके, तो आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है और शुद्ध पानी भी मिलने वाला है। इसके साथ ही एक धारा है, मैं आपको भी दिखाती हूँ धारा भी, पहले आप मंदिर देख लीजिए अच्छे से। तो ये देखिए
शुद्ध पानी एकदम शुद्ध निरोग एकदम शुद्ध पानी। ये मंदिर के साथ ही धारा है, यहाँ पे जैसे कोई यात्री आते हैं तो वो रुकते हैं यहाँ पर पानी पीने के लिए, और वो बॉटल्स में या कैनियों में भर के भी ले जाते हैं ये पानी। ये देखिए आप, मंदिर के बिल्कुल साथ ही है ये पानी, मंदिर के बिल्कुल साथ है ये पानी। अब ये देखिए ये अंकल जा रहे हैं, आए हैं अभी इन्होंने यहाँ गाड़ी खड़ी करी और ये पानी भरने के लिए गए, पानी भरा भी और इन्होंने पिया भी है। देखिए सबको बताया था कि मैं मतलब म्यूजिक एकेडमी आई हूँ, तो आपको दिखाती हूँ, आपको सर से मिलवाती हूँ। तो ये है हमारे संगीत सम्राट, और जैसे कि ये स्टूडेंट वगैरह आते हैं यहाँ पे, काफ़ी आते हैं सीखने के लिए, और सर ड्राइंग भी सिखाते हैं बहुत अच्छी, ये देख सकते हैं आप। सर ये जो पूजनीय है ये गुरु जी है? सतगुरु जी। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, और सर का घर भी दिखाती हूँ आपको, कितना खूबसूरत है, और आप लोगों को भी ऐसे ही बनाना चाहिए अपना घर। तो आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ मैं, यहाँ से व्यू आप सर का घर। देखिए आप, इन्होंने कितने ज़्यादा मतलब गमले वगैरह फूल वगैरह लगाए हैं, मतलब घर को एकदम सजा के रखा है इन्होंने। आप इनकी ब्यूटी देखो घर की। देख सकते हैं आप, अभी मैंने स्कूटी को जो है वो पार्क किया है, और बस अब घर जाना है, लंच करना है। और अच्छा लगा वहाँ एकेडमी में उनके साथ, उनसे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है। तो आपको पता ही है कि गुरुजन होते हैं, उनसे सीखने के लिए ही मिलता है। तो बस अब भूख लगी है मुझे, बहुत ज़ोर से ज़ोर वाली भूख लगी है, और अब घर जाके जो है लंच करना है, यही जहाँ मैं पार्क करती हूँ स्कूटी, यही साथ ही है हमारा घर। तो फिर चलो खाना खा लो। देखो मैं आपको दिखा, ये है मटर और गोभी की सब्जी, और ये है चपाती, और ये मम्मी भी खा रहे गरम करके। तो ठीक है फिर लंच कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। इतना ढेर कपड़ों का लगा है धोने के लिए, और आधे तो मैं डाल भी चुकी हूँ मशीन में, और बस अब कपड़े धोने हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे सत्संग में जाना है मैंने और मम्मी ने, सत्संग में जाएंगे फिर। और अभी नाश्ता किया है, हमने बनाया है आज साग और रोटी, और आपको दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए साग, गाइस आप बताओ कि मैं क्या करूँ, क्या बदलाव लाऊँ उसमें ब्लॉग में, जो कि मतलब व्यूज़ ज़्यादा आए, व्यूज़ ही नहीं आ रहे, बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे यार चैनल पर। आखिर गलती क्या हो रही है, समझ नहीं आ रहा यार गाइस, आप लोग ही बताओ। मैं तो सच में डीमोटिवेट होती जा रही हूँ कि पता नहीं क्या गलती हो रही है, या हम लोग इस पे सफल भी होंगे या नहीं होंगे। और मैंने कई कई लोगों के ब्लॉग देखे ना, मतलब इतना मतलब कुछ भी नहीं दिखाया हुआ होता उन लोगों ने, फिर भी देखो उनके भर भर के व्यूज़ आते हैं। आखिर मुझसे क्या गलती हो रही है, या फिर मेरी किस्मत ही ऐसी है खराब।
आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए ना प्लीज़, नहीं तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे यार। आपको पता है कि उसके पास भी अच्छा फ़ोन नहीं है कि जो अच्छी क्लैरिटी आ सके फ़ोन में, मतलब उस फ़ोन से ही वो करती है। मैं भी फ़ोन से ही वीडियो शूट करती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, तो क्या करें हम, आप लोग ही बता दो। इतना अच्छा फ़ोन नहीं है उसके पास जो अच्छी क्लैरिटी आ सके। अब जैसा है जो है उसी से बनाएंगे ना, तो प्लीज़ गाइज आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए यार प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। जो है मैं यहाँ पहुँची हूँ ओए हैं अपनी स्कूटी के पास, और ये देखो मेरी दोस्त, ये मेरी दोस्त है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना गौरी, आप मेरे दोस्त हो ना। तो देखो सही मायने में तो यही लोग थे बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि ये बिना किसी लालच से हम लोगों से जुड़े होते हैं, है ना। तो बाकी अभी मैं स्कूटी के पास पहुंची हूँ और थोड़ा आपको संगत का भी दिखाऊंगी। और देखो सामने पर्वत कितना अच्छा लग रहा है, ओ देखो अच्छा लग रहा है ना। तो वैसे अभी मम्मी आ रहे हैं तैयार होके, भाई को खाना दे रहे थे, मैं कहा चलो मैं इतने को धूप में खड़ी हो जाती हूँ क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी मुझे। तो हेलो फ्रेंड्स, बस अभी मैं जो है फ्री हुई हूँ सारा घर का काम करके, और आपको एक चीज़ इम्पोर्टेंट बतानी थी मैंने, तो इसीलिए मैं क्या बता देती हूँ आप लोगों को कि अब जो है मंजू के वीडियो नहीं आएगी, मतलब मेरे साथ, क्योंकि उसको उसकी फैमिली वालों ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा है कि तेरे को समझ नहीं आता है जब तेरे को मना किया हुआ है कि वीडियो नहीं बनानी है, तो तेरे को समझ नहीं आती एक बात, तो काफ़ी ज़्यादा उसको बेचारी को वो किया, तो रो रही थी वो मेरे पास फ़ोन पर। तो प्लीज़ मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अब आप लोग ऐसा मत करना कि नहीं मंजू भी साथ आए मंजू भी, क्योंकि वो नहीं आ सकती यार, हम लोग के पीछे किसी को वो थोड़ी ना कि घर पे उसको बेचारी को इतनी ज़्यादा डांट पड़ती है ना। और उसके पापा को भी उन्होंने ये बोला कि भाई तेरे को समझ नहीं आती कि भाई जब तेरे को मना करा कि इसको वीडियो नहीं बनानी, तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब आप लोग मत मांग करना कि मंजू के साथ ब्लॉग बनाओ, तो मंजू के ब्लॉग नहीं आएंगे, अब बस अब मेरे ही ब्लॉग आएंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मेरे अकेले के ब्लॉग देखने में तो प्लीज़ आप सबका वेलकम है, और अगर नहीं आप लोग इंटरेस्टेड हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती गाइज इसमें, बस आप लोगों से विनती कर सकती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट जो है और प्यार जो है इसी तरह बनाए रखें, और क्या बोलते हैं प्लीज़, और मंजू के लिए भी बेचारी के लिए दुआ करें कि भाई वो उसकी जॉब लग जाए तो अच्छे से सेटल हो जाए बेचारी, ताकि किसी का वो ना हो, किसी का एहसान ना बेचारों को लेना पड़े। तो चलो फिर अब हम जा रहे हैं संगत की ओर, चलते हैं फिर संगत की ओर। मैंने अभी बनाए थे मटर वाले पुलाव और अभी मम्मी खा रहे हैं, चले गए मम्मी उठ के सामने खा रहे थे चेयर पर बैठ के, और मैंने खा लिया। मैं ज़रा धूप में जा रही हूँ खटने के लिए, क्योंकि सुबह से मैं ठंड में काम कर रही थी, तो इसलिए देखिए मम्मी ने जो है वो मस्त आग जला दी। हेलो तो कर दे, ओए शर्मीली आए आओ आग सेको। मम्मी ने देखो मस्त आग जला दी है, और बस शाम का टाइम हो गया, अभी आए थे हम लोग सत्संग से, और बस मम्मी अब आग सेक रहे, उसके बाद खाना पीना बनाएंगे, मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी। गाइस कैसा लगा आपको ब्लॉग, आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, ये मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है। और ये रहा भाई और ये रही मम्मी, ये देखो हम आग का भर के ले आए हैं बाहर जो हमने जलाई थी आग, बस अब खाना बनाएंगे और फिर खा के सो जाएंगे। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और आप लोग भी हमेशा खुश रहें, यही मेरी दिल से दुआ है।